जम्मू कश्मीर के डोडा के परमाज रोड पर आज जम्मू कश्मीर पुलिस आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ज्वाइंटली एक सर्च ऑपरेशन किया है। बता दें कि परमाज रोड वाले पूरे क्षेत्र में इस तरह का एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और आतंकियों को वहां से पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है और उस जगह के बहुत सारे झाड़ियों वाले क्षेत्र में आग भी लगाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले के बाद डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले रियासी में आतंकियों द्वारा बस पर हमला किया गया, यानी यात्री बस पर हमला किया गया, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हुई। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कठुआ, और कठुआ के बाद डोडा के छतरगला के बाद टांटा गुंदो बलेसा में इस तरह का वाका पेश आया, जिसमें आतंकियों द्वारा इस तरह का हमला किया गया। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पर है डोडा के परमाज एरिया में। आपको बताते चलें कि आज परमाज डोडा के परमाज एरिया में सर्च ऑपरेशन को जारी कर दिया गया है। वहां पर नजरें फौज पैरामिलिट्री फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब ज्वाइंटली एक सर्च ऑपरेशन को जारी किया गया परमाज। वहाँ पर किसी भी किस्म के कोई मिलिटेंट्स वगैरह वहां पर अगर हों तो वहां से वो उन्हें ढूंढ निकालने में, यानी सर्च करने में फौज जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को कामयाबी हासिल हो। तो इस तरह का सर्च ऑपरेशन अभी डोडा के परमाज एरिया और डिफरेंट लोकेशंस पर हाई अलर्ट पर फौज जम्मू कश्मीर पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज अपने